तान हो जागा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जागा, और विश्व गुरु हट के न्यो हिंदुस्तान हो जागा, जिस दिन भारत देश में। तो एक बात क्या कही के भाई, एक पूंजीपति का अमीर का लड़का लंदन अमेरिका में पढ़ता, हमारे देश में गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वो सरकारी स्कूल में पढ़ता, और जब नौकरी के फॉर्म भरे तो कहवा है कि इनकी योग्यता में फर्क है। अरे ऐसा कानून बनाया क्यों जाता है जिसमें जाति तय का आरक्षण दिया जाता है? पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें जाति देख के आरक्षण दिया जाता है, किसी का जाति के नाम लेने से केस हो जाता है, उसे सजा हो जाती है। तो उसके ऊपर क्या लिखा, ओए सम शिक्षा हो सारे देश में, सम शिक्षा हो सारे देश में, संस्था सरकारी हो आरक्षण 36 जात का, जिसके धन की हारी हो समान चिकित्सा सारे देश में, समान चिकित्सा सारे देश में, ऐसे कानून की तैयारी हो, जाति के खाने में हिंदुस्तानी जात हमारी हो, सारा ही समाज एक, सारा ही समाज एक रसमान हो जगा, जात पात का झगड़ा अंतर ध्यान हो जागा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जगा, और विश्व गुरु हट के यो हिंदुस्तान हो जागा। तो पीछे कानून आया के ग्राम पंचायत के मेंबर सरपंच सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। तो भाई ग्राम पंचायत के लिए क्यों सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, और सरकारी कर्मचारी की पेंशन कटन ना हो रही है, अरे एक बार एमएलए बन गया एक पेंशन, एमपी बन गया दो पेंशन, सात सात पेंशन लेने वाले भी टूटे हैं, और वे भी नेता देखे हैं वहां दिख रहे, यो मेरा नीचे है इन्हें कंडक्टर लगाए थे, वहाँ नेता जी यो पढ़ तो ना रहे हैं, टिकट ना कर सकता वह फिर चेक कर ला दे पढ़ तो देगा, वे भी नेता उड़े हुए हैं। तो इनके ऊपर क्या लिया, ओ चुनाव लड़ने की खातिर देश में, चुनाव लड़ने की खातिर देश में शिक्षा का आधार करो, अनपढ़ नेता बने फिर से राजनीति से बाहर करो, नेताओं की पेंशन पे, नेताओं की पेंशन पे अटके फिर विचार करो, देश लूटने वालों को फिर नंगा सर बाजार करो, नेताओं को भारत माँ का हेरा, नेताओं को भारत माँ का हेरा ध्यान हो जगा, सब दुनिया में जय हिंद का गुण गान हो जागा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जागा, और विश्व गुरु हट के हिंदुस्तान हो जागा। तो आप सड़क से जाते हैं गाड़ी लुहारे देखो हो, वो सीधा का है चिमटा 50 का दू वाले तो ले ले, पेंसिल लाने लगे 50 रुपये लूंगा ना तो चल दे, बेल्डिंग करना लूंगा 10 रुपये लूंगा। अरे एक बोला सा किसान जो सर्दी गर्मी में खुले आसमान के नीचे फसल उगाता है, वो ले जा मंडी में, उसने न्यू भी नहीं भरा, तेरा कुछ होड़ देगा कि नहीं होड़ देगा, लेकिन फिर भी वो ले जा मंडी में, तो क्या बात, उन्हें ले जाके एक कूड़ में बिठा दे,
लेकिन उसकी बोली कोई और बताओगा, वो यूँ नहीं कह सकता कि मैं इतने में दूंगा, उसकी बोली कोई और बताओगा। तो इसके लिए क्या लिखा, ओए फसल का पूरा भाव मिले, फसल का पूरा भाव मिले भोले से किसान को, खाद बिजली पानी बीमा फसल के नुकसान को, अवधि भीतर सजा मिले, अवधि भीतर सजा मिले हर अपराधी शैतान को, वकील जज भी स्वार्थ त्यागो बदलो हिंदुस्तान को, सब तरिया खुशहाल जब हेरा खुश, सब तरिया खुशहाल जब रे किसान हो जगा, सोच मानियो उस दिन राजी भगवान हो जागा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जगा, और विश्व गुरु हट के यो हिंदुस्तान हो जागा। तो लोगो इसी देश में रहते हैं, इसी देश में पैदा करे हुए अन्न खाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। अरे वो सीमा पर खड़ा जवान फौजी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, क्या यही देश है? AK-47 ले रहा है पर उसने ये आजादी नहीं है कि उसे पत्थर मारने वाले का कोई इलाज कर सके, तो उसके ऊपर क्या बताया, ओए देश से बाहर करो उनको, देश से बाहर करो उनको, जो ना वंदे मातरम गाता है, देश में रहना चाहते हो तो कहो भारत मेरी माता है, सजा मौत की सेना पे, सजा मौत की सेना पे जो भी पत्थर बरसाता है, मरना चाहिए वो भी गर्भ में जो कन्या को मरवाता है, बुलेट प्रूफ वर्दी में जब हेरा, बुलेट प्रूफ वर्दी में जब जवान हो जगा, उस दिन बोलना बंद वो पाकिस्तान हो जागा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जागा, हेरा विश्व गुरु हट के ना हिंदुस्तान हो जागा, जिस दिन भारत देश में जवाब।